हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। ये पहला है ये ब्लैक क्रिस्टल और दूसरा है ये पर्पल क्रिस्टल। तो दोनों में से जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको उस रीडिंग देखनी है। साथ में हमने कार्ड्स भी यहाँ पर निकले हुए हैं, ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप अपना डेक सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप अपना पाइल सिलेक्ट करिए, पाइल वन या फिर पाइल टू। अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा तो शुरू करते हैं पाइल वन की रीडिंग के साथ। तो पाइल वन जिन्होंने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन जो है एक दूसरे से अपने दिल की बात ही, आपको नहीं पता कि आपको आपके पर्सन क्या चाहते हैं और आपके पर्सन को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के इनर मोस्ट सेल्फ जो है उसे रिवील नहीं कर रहे हो। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन से पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। ये पर्सन अपसेट हैं, फूल और नाइन ऑफ सोर्ड और डेविल और हैंगमैन। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको नहीं पता है ये पर्सन क्या चाहते हैं और इस पर्सन को क्या चाहिए आपसे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से आप दोनों ने छुपाया हुआ है क्योंकि आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। ये पर्सन किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। अपसेट इसलिए हैं क्योंकि इनके लाइफ में आप के जाने के बाद हो सकता है वो एडवेंचर नहीं है, वो उत्साह नहीं है जीने का जैसे उन्हें पहले हुआ करता था। और यहाँ आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में भी आ जाते हैं क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं अपने सिचुएशन में। ये पर्सन जो है अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों का एक फेटेड कनेक्शन है, आप दोनों को मिलना ही था, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। पर देखिए, यहाँ आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त बैलेंस नहीं है, वो चाहते हैं बैलेंस आए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जस्टिस का भी कार्ड है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी डिसीशन लिए गए वो ऐसा लग रहा है कि सही नहीं लिए गए, उनको ऐसा फील होता है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उदास वाली एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। या तो हो सकता है आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके अपसेट हैं या फिर इनके लाइफ में कुछ और चल रहा है पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से ये पर्सन अपसेट हैं। ठीक है, लाइफ में एक एडवेंचर नहीं है, खुशी नहीं है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है किसी बात को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ड, चैरियट, नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स।
देखिए, इस पर्सन का प्यार तो है आपके लिए, इनके दिल में इमोशंस है आपके लिए, पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बताने से डरते हैं, छुपाते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे जो है अपने दिल की बात छुपाते हैं। ये पर्सन आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन ये लेना चाहते हैं कि ये अपना करेज गेन करना चाहते हैं, अपनी हिम्मत और बढ़ाकर ये पर्सन आपके तरफ एक आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी ये पर्सन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में जो है इन्होंने ऑन ऑफ बहुत थे रिलेशनशिप में, और इन्होंने जो है आपके अलावा किसी और को चूज़ किया था, पर अब आपके पर्सन उस रिग्रेट में है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। देखिए, ये पर्सन आपके तरफ एक प्यार भरा ऑफर लेकर आना चाहते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स बहुत जल्द आना चाहते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये रिश्ता जो है और आगे बढ़ने वाला है, ऐसा आपके पर्सन भी चाहते हैं। विल पावर अपना बढ़ा रहे हैं, एक डायरेक्शन उनको मिल गया है लाइफ में कि उन्हें उनकी जो लाइफ है वो आपके बिना बिल्कुल अधूरी है, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है। देखिए, आपको कोई मैसेज कॉल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा कि ये पर्सन जो है अभी किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में है, या फिर आपसे ही डरते हैं, ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं, पर ये पर्सन धीरे धीरे अपने इस कोकून से बाहर निकलेंगे और ये आपके तरफ प्यार भरा ऑफर लेके आएंगे। तो ये थे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप वन सेलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो, और अब देखते हैं ग्रुप टू की रीडिंग। तो रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ये तो डेफिनेटली यहाँ रिकन्सिलेशन होने वाला है आप लोग का। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए करेंटली क्या फील करते हैं। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील करते हैं। यहाँ लवर्स का कार्ड दिखा, एस ऑफ वैंड। देखिए, ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट समझते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कोइंसिडेंस, यहाँ लवर्स का ही कार्ड निकल के आया है। और देखते हैं, और आपके पर्सन स्ट्रांगली जेमिनाई हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, हैंग मैन, फाइव ऑफ कप्स, एंड ऑफ द डेक भी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेक ग्रुप वन की तरह। देखिए, यहाँ पर लवर्स है, किंग ऑफ सोर्ड है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, पर ये पर्सन दिखाते नहीं है। बहुत स्ट्रांग इंटेंशन है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके लिए, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है खुद को बहुत रोकते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना भी आपसे दूर जाते हैं पर्सन उतना ही इनके दिल में वो ग्रीफ में चल जाते हैं, उस रिग्रेट में चल जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपके अलावा किसी और को उस तरीके से प्यार किया ही नहीं जितना कि इन्होंने आपको किया है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है हो सकता है इस वक्त डिफेंसिव ऐसे बिहेव करते हैं, पर इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग प्यार है, बहुत स्ट्रांग इमोशंस ये पर्सन आपके लिए रखते हैं, रोकते हैं खुद को ये पर्सन। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है ये आपको प्यार अपना देना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं आपको कि ये कितना आपको चाहते हैं, ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। पर हो सकता है कि सोसाइटी की रीजंस की वजह से या ट्रेडिशन की वजह से, फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये वो सारी बातें आपको नहीं बता पाते। इनको भी ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक फेटेड कनेक्शन है, एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से मिलना ही था इसलिए आप दोनों मिले हो, और प्यार तो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पर्सन जो है अब आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो देख लेते हैं।
जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है उनके पर्सन उनके क्या उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। थ्री ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप्स और फूल। तो आप लोग तैयार हो जाइए, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स का जो कार्ड है रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। इन्होंने बहुत सोचा है, बहुत समझा है और इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और ये वो रिस्क आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके तरफ ये कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन डेफिनेटली जो है ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी स्टक सिचुएशन है उसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपके लिए सबसे लड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है, जो भी ऑपोजिट फोर्सेस हैं उससे लड़ेंगे ये पर्सन आपके। बहुत ज़्यादा ये अपने अंदर वो करेज लाएंगे, साथ में आपकी ये पर्सन रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। आपको ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अभी हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से ये पर्सन आपके अपने फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे या फिर आप लोग के कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। पर ये पर्सन जो है इन्होंने बहुत सोचा है कि आप ही उनके मंजिल हो, आप ही उनके सोलमेट हो, तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे। 4 वीक्स का टाइम लग सकता है, 4 डेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करे या फिर ये पर्सन जो है डायरेक्टली ही आपको प्रपोज करे या फिर आपको ग्रुप में बुलाए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, गेट टुगेदर जैसे ऐसे सिचुएशन में आपसे मिले, इनविटेशन दे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जिस मैंने आपको बताया बहुत टाइम से खुद को रोक रहे हैं और ये अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होने वाली है ग्रुप 2 के लिए। सो ये थी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।